भैया एक मिनट एक मिनट एक एक मिनट एक मिनट भैया देखो बुरा मत मानना, आप पढ़े लिखे भी लग रहे हो ना दोनों, आपने मास्क नहीं लगा रखा। इनको बोला ना ये मास्क कहाँ है, दोस्तों आप सभी जानते हैं त्योहारों का सीजन स्टार्ट हो गया है और इसी त्योहारों के सीजन में मैं आपको लेके चल रहा हूं जयपुर में स्थित सबसे बड़े केंद्रीय बस स्टैंड सिंधी कैंप में। आज मैं आपको केंद्रीय बस स्टैंड सिंधी कैंप का नाइट व्यू भी दिखाऊंगा और साथ में एक सोशल मैसेज भी दूंगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं और देखते हैं केंद्रीय बस स्टैंड सिंधी कैंप का नाइट व्यू। बाबूजी आपको लगता है स्पीड को देख के कोरोना है कहीं पे? लोगों में खाली डर भरा हुआ है, कोरोना है भाई, कोरोना वोना कुछ नहीं है। और ये लोग बाग जो इग्नोर कर रहे हैं कोरोना को, आज बसों में देखो 50 आदमी 70 आदमी भरे जा रहे हैं। नहीं वो आपकी बात सही है, लेकिन ये आप भीड़ देख के लग सकता है कि घरों में और लोगों के दिलों में कोरोना डर है। ये कि 6-4 फुट की दूरी रखो, मास्क पहनो, लोग कितने को मास्क नहीं पहना हुआ देखो आप। तो मतलब कोरोना के किसी में बह नहीं रहा? मास्क है सर, अगर आप ये भीड़ देखकर अगर कोरोना का डर है किसी में? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई तरह का कोरोना। अगर कोरोना होता तो लोग एक दूसरे से दूर भागते, लेकिन उन्होंने हकीकत जान ली है, उनके मन में ऐसा लग गया है कि कोरोना कहीं नहीं है। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन जो लोग इग्नोर कर रहे हैं कोरोना को, वो उनके लिए सही है गलत है? मैं मानता हूँ कि कोरोना के जो अभी जो लापरवाही कर रहे हैं, जो दीपावली से आप भीड़ देख रहे हो कितनी खतरनाक चल रही है, एक दूसरे के ऊपर बैठ के लोग जा रहे हैं, वो उनके लिए मेरे ख्याल से कोरोना को बढ़ावा देने का काम करेगा। अगर वो सावधानी बरतेंगे अभी और थोड़ा सा, तो सर सावधानी तो बरत भी नहीं सकते अगर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर किया है भाई सीट से भी कम यात्री लेके जाएंगे। मैंने अभी देखा है सीट से भी दुगने तिगने लोग ड्राइवर भर भर के लेके जा रहे हैं, तो ये कोरोना को बढ़ावा, ये गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही।
देखो ये आम जनता है और ये प्रशासन की कमी है कि प्रशासन पर्याप्त मात्रा में उनको बसें उपलब्ध नहीं करा रहा है, तो इस चक्कर से त्योहारी माहौल है तो उनकी मजबूरी बन गई कि वो अपने बच्चों को अपने बड़ों के साथ फैमिली के साथ अपने गांव जा रहे हैं दीपावली मनाने, तो उनकी ये मजबूरी है। तो आपके कहने का यही मतलब है कि गवर्नमेंट के साथ साथ हर नागरिक को भी अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, उनको अपनी खुद का ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा ये प्रशासन के ऊपर। वो अगर सोचेंगे प्रशासन के लिए करेगा कुछ तो वो ऐसा गलत सोच रहे, प्रशासन के लिए कुछ नहीं कर सकता है, वो खुद अपने लिए करेंगे, अपना ध्यान खुद को रखना पड़ेगा। एक मिनट भैया, देखो बुरा मत मानना, आप पढ़े लिखे लग रहे हो ना दोनों, आपने मास्क नहीं लगा रखा। नहीं, एक सोशल मैसेज देना चाहूँगा आपको, आप तो पढ़े हुए, इधर आओ, मैं आपसे कुछ नहीं बोल रहा, उन वो जो करके जा रहे सही था गलत था? आओ गलत था। तो दोस्तों, आपको वीडियो देखकर कैसा लग रहा है? क्या आपको लगता है कि किसी में भी कोरोना डर है? तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कोरोना किसी भी त्यौहार को नहीं देखता, वो आप पर कब अटैक कर दे, कहाँ अटैक कर दे, ये आपको भी पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों, मेरे एक छोटा सा मुहिम है, मेरी एक पहल है, इस त्यौहार के सीज़न में आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, और हाँ, कहीं पे भी जाएं, शॉपिंग करने जाएं या यात्रा पे जाएं, मास्क ज़रूर लगाएं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ दोस्तों, ये वीडियो एक संदेश है कोरोना से बचाव के लिए, तो अपनों में इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में एक नई जगह पे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।